आज हमारे पास ये फ़ोन आया है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैमसंग का मॉडल है। तो मैं इसको इसका मॉडल आपको यहाँ पे मैं क्लियर दिखा देता हूँ एक बार। इसका मॉडल है सैमसंग B110E, ठीक है फ्रेंड। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है फ्रेंड वो लॉक का प्रॉब्लम है। मतलब ये जो हमारा कॉन्टेक्ट वगैरह हुआ उसके अंदर लॉक लगा हुआ है, मैसेज के अंदर लॉक है, फ़ोन के अंदर लॉक है, तो ये सब लॉक है। तो ये सब लॉक को हम कैसे रिमूव करेंगे वो भी फ्री में बिल्कुल हाथों से, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि इसमें हमको उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ एक एक कोड है, उस कोड के ज़रिए इसको हमको फॉर्मेट करना है फ़ोन को, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे अभी फ़ोन चालू हो रहा है, फ़ोन को चालू होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा उसके बाद ये कैसे इसको जो है हमको ठीक करना है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फ़ोन चालू हो चुका है, चालू हो चुका है फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है कॉलिंग वाला बटन को मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लॉक आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ, देख सकते हैं यहाँ पर जो है पासपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद मैं कॉन्टेक्ट पे जाता हूँ, देखिए कॉन्टेक्ट में भी जो है पासवर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं इसको काट देता हूँ, उसके बाद जाता हूँ मैसेज पे, यहाँ पे जो मैसेज वाला मैं इस पर क्लिक करूँ, देखिए इस पर भी जो है पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो इसको अपने हाथों से आज कैसे रिमूव करेंगे इसी वीडियो में आपको बताऊँ, ठीक है फ्रेंड। तो इसको फॉर्मेट करने के लिए इसका पासवर्ड है, यहाँ पर सबसे पहले टाइप करना होगा स्टार, उसके बाद 2767 स्टार 3855 हैज, ठीक है फ्रेंड। जैसे ये हैज दबाएंगे हमारा फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा, हमारे पास हमारे फ़ोन में जो भी लॉक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं हैज को जैसे ही प्रेस करूँगा फ़ोन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक मिनट बता रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप फुल रिसेट डो नॉट पावर ऑफ यू ड्यूरिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ एक मिनट वेट करने के लिए। उसके बाद फ़ोन जो हमारा बिल्कुल रिस्टार्ट हो जाएगा, ऑफ होके ऑटोमेटिकली ही ऑन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फ़ोन बंद होकर ऑटोमेटिक चालू हो गया। चालू होने के बाद जो है हमारा जो प्रॉब्लम है उसको हम देख लेते हैं, जो हमारा लॉक वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, ठीक है फ्रेंड। तो मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारा फ़ोन इस तरीके का कुछ ओपन हो गया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसको, मैं क्या करता हूँ देखिए यहाँ पर, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इसको क्लियर कर दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं ये कॉलिंग वाला बटन में जिससे प्रेस में देखता हूँ, देख लिए फ्रेंड कोई भी लॉक नहीं। उसके बाद ये जो कॉन्टैक्ट वाला मैं इस पर प्रेस कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर हमारा पूरा कॉन्टैक्ट ऊपर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम चले जाएंगे मैसेज वाले पे, जो बीच वाला मैसेज है मैं इस पर क्लिक करके देख लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए कोई भी दिक्कत जो है नहीं आ रहा था, जो कि हमारा ये पूरा मैसेज वाला भी लॉक था, कॉन्टैक्ट वाला भी लॉक था, और ये कॉलिंग वाला भी लॉक था, ठीक है फ्रेंड। तो बस मैं आपको ये वीडियो मेरा बनाने का यही एक यही मतलब इसलिए मैं वीडियो बना रहा था कि आप लोगों को ये पता चल जाएगा सैमसंग का कोई भी फ़ोन हो कीपैड वाला का उसके अंदर इस तरीका का लॉक है, तो लॉक इजीली वो हट सकता है वो कोड के द्वारा, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने मोनू मोले पेरिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।